माइक थोड़ा सा ठीक करना, माइक को। निरंतर अभिलाष हो रही है क्या, क्या इन्हीं नेत्रों से उन प्रभु का दर्शन होगा जिसको सारे संत महात्मा अनादि बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, अखंड बोलते हैं, निरुपाधि बोलते हैं, निर्विकार बोलते हैं, माने निर्गुण निराकार। लेकिन फिर भी हमने सुना है और ऐसा पढ़ा है, ऐसा परमात्मा भी भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के सगुण साकार होकर के आता है। बहुत वर्षों तक साधना किया स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने, और ऐसे विलक्षण साधना किया कि जानते हो, इंद्र की बात तो छोड़ दीजिए, इंद्र की तो वहां गति ही नहीं थी। विधि हरि हर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव अनेक बार आए, बोले क्या चाहते हो, वरदान मांग लो। लेकिन यह है निष्ठा, यह अनन्यता। मांगना है तो उन्हीं से मांगना है जो हमारे इष्ट है। प्रणाम करके विनम्र प्रार्थना कर दी, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप कृपा करें। जब वो तीनों चले जाते हैं तो भगवान के ही तीनों रूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान ने सोचा, भाई मैं तीनों रूप में हो आया, लेकिन अब मांग ही नहीं रहा, तो अब इन्हीं से पूछना चाहिए कि मैं किस रूप में आऊं। तब आप मांगेंगे, आप ही बताइए। आकाशवाणी होती है, मांग मांग बर भय नभ पानी। आकाशवाणी हुई, जो चाहिए मांग लीजिए, क्या चाहते हो। स्वयंभू मनु शत्रुपा ने कहा, हमने सुना है, अनुभव तो नहीं किया है, सुना है, अनुभव तो अब करेंगे अगर आपकी कृपा होगी। हमने सुना है कि जो परब्रह्म परमात्मा है वो भी अपने प्रेमी भक्तों के भाव के वश में हो जाता है। अगर ये बात सच है, प्रश्नवाचक लगा दिया, अगर ये बात सच है तो हम उस स्वरूप को देखना चाहते हैं। आकाशवाणी ने कहा, तुम्हें को बताना होगा कौन सा स्वरूप देखना चाहते हो। मेरे अनेक रूप है, लेकिन तुम जिसको चाहो मैं उसको दिखा दूंगा, अब तुम बताओ कौन सा स्वरूप देखना चाहते हो। बोले, जो भगवान शंकर के हृदय में नित्य निवास करते हैं, जो काग भुशुंडी जी के हृदय में निवास करते हैं, वो कौन है भाई? काग भुशुंडी जी के हृदय में कौन निवास करते हैं? राम जी। और शंकर जी के हृदय में कौन निवास करते हैं? हमारे राम जी। हमारे राम जी निवास करते हैं ना, समझ गए। परब्रह्म परमात्मा अनेक रूपों में तो वही है, वो समझ जाते हैं। जहाँ ये कहा, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। जहाँ ये प्रार्थना सुनी, भगवान श्री राम भगवती जानकी के साथ उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। बहुत देर तक भगवान को देखते ही रह गए। भगवान श्री राम भगवती जानकी साथ में उनको दर्शन देने के लिए प्रकट है सामने। स्वयंभू मनु शत्रुपा दोनों का दर्शन कर रहे हैं, नील सरोवर हो, नील मणि, नील नील धर श्याम। ऐसा सुंदर नील मणि के जैसा एक विलक्षण कांति है जिस विग्रह में, ऐसे प्रभु का स्वरूप, भगवती का हैम वर्ण स्वरूप, वो देख करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। प्रार्थना करते हैं, पूजन करते हैं, साष्टांग चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान श्री राम ने और भगवती ने दोनों के सिर पर अपना हस्त कमल रखा, जैसे स्पर्श हुआ आनंद, आनंद की अनुभूति, जैसे समाधि लग गई। बहुत देर तक तो बोले ही नहीं। आप कल्पना करें, आपके ठाकुर जी आपके सामने प्रकट हो जाए तो आपको कुछ बोलने की फिर इच्छा होगी? बहुत देर तक तो इच्छा होगी नहीं, बहुत देर तक तो अपनी आंखों पे भरोसा होगा ही नहीं। और उसके बाद भी अगर वो आपके सिर पे अपना हाथ कहीं रख दे, अगर आज का भक्त के समाधि लग सकती है तो तुम्हारा सतयुग के भक्त थे। स्वयंभू मनु शत्रुपा, भगवान ने जैसे उनके सिर पर हाथ रखा, उनकी समाधि लग जाती है, भाव में डूब जाते हैं। भगवान ने उठाया, तुरंत उठाए करुणा पुंजा, उठने का भी भान नहीं रहा। उठा करके महाराज भगवान ने कहा, मांगो, क्या चाहिए आपको, वरदान मांगो। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में तो आपने लौटा दिया, जो आप चाहते थे मैं आ गया, अब मांगो। स्वयंभू मनु कहते हैं, प्रभु मांगना तो है लेकिन मांगने का साहस नहीं हो रहा है। आपसे जो मैं मांगना चाहता हूँ, मांगने का साहस नहीं हो रहा है। भगवान बोले, जानते हो स्वयंभू मनु, जन कहा कछुआ दिए नहीं बोले।
मेरा जो भक्त होता है वो कुछ भी मांगता है, मैं कभी उसको मना नहीं करता हूँ। अब देखो भक्त किसका बनना चाहिए, भगवान का या दुनिया का? भगवान कभी मना नहीं करते, एक बात। और भगवान सब कुछ दे सकते हैं, दूसरी बात। दुनिया वाले आपसे प्रेम भी करेंगे तो भी सब कुछ दे नहीं सकते, सामर्थ्य नहीं है, उतना उनके पास है नहीं, सामर्थ्य नहीं। बोले कुछ भी चाहिए मांग लो, फिर वो स्वयं मनु कहते हैं प्रभु मैं क्या करूं, मांगा नहीं जा रहा है। बोले क्यों, आपको देने में बड़ी सरलता है लेकिन मेरे को मांगने में बड़ी कठिनाई है, क्योंकि मैं कुछ ऐसा ही मांगना चाहता हूँ हाँ जो उसके योग्य मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं और कुछ चाहता भी नहीं, मैं चाहता भी वही हूँ। अब महाराज भगवान ने कहा नहीं नहीं तुम मांगो, तब भी महाराज वो ठीक से स्पष्ट नहीं बोले, क्या संकोच है, क्या भाव है, दान शिरोमणि कृपा निधि, हे करुणा के सागर, हे दान शिरोमणि, अब मैं सत्य सत्य आपके चरणों में निवेदन कर दूं। वास्तव में पूर्ण सत्य रूप से निवेदन नहीं कर सके, क्यों, चाहो तुम ही समान सुत, आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। क्या भगवान के जैसा दूसरा भगवान है क्या, नहीं है। ये नहीं कहा कि आपको पुत्र के रूप में चाहता हूं, क्यों, कहां मैं और कहां प्रभु, मैं कैसे कहूं कि आप मेरे बेटे बन जाइए। ये भक्त का वास्तव में दैन्य है, ये भक्त की वास्तविक अनुभूति है। और भगवान की करुणा, भगवान ने मुस्करा करके कहा तुमने जो कहा वो मैं समझ गया, लेकिन तुमने कहा कि मेरे जैसा बेटा चाहिए, तो स्वयंभू मनु मेरा जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, तो मैं कहाँ से खोजूंगा, और मैं तुम्हारा अभिप्राय भी समझ गया, तुम मेरे जैसा नहीं चाहते हो, तुम मेरे को ही चाहते हो, मेरे को मालूम है, इसलिए मैं तुमको वरदान देता हूँ, तुम्हारा पुत्र बन करके मैं अवतार लूंगा और तुमको आनंद दूंगा। उनका वरदान पूरा हुआ। शत्रुपा से पूछा माँ आपको क्या चाहिए, बोले हमारे पति देव ने जो मांगा वो बहुत सुंदर वरदान मांगा, वही हमको भी चाहिए, हमको भी महाराज पुत्र रूप में हमें बड़ी अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, लेकिन केवल भक्ति नहीं चाहिए, हमको ज्ञान भी चाहिए, विवेक भी चाहिए, आपकी सेवा का सेवा भी हो और आपके स्वरूप का ज्ञान भी हो। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहन प्रभु हम ही कृपा कर देव। आपके ज्ञानी भक्त के जीवन में जो लक्षण होते, ज्ञानी भक्त के जीवन में आपसे प्रेम भी होता है और आपके स्वरूप का ज्ञान भी होता है, जैसे हनुमान जी महाराज, जैसे प्रहलाद जी महाराज, ये सब ज्ञानी भक्त हैं, भगवान के प्रेम भी है और ज्ञान भी है। इसलिए आप देखेंगे कौशल्या माने ज्ञान और भक्ति दोनों मांगा है, दशरथ जी ने केवल प्रेम मांगा है, इसलिए भगवान के वनगमन के समय दशरथ जी केवल प्रेम मांगे थे, ज्ञान नहीं मांगे थे, भगवान के स्वरूप को नहीं जानते थे, इसलिए प्रेम में उनको शरीर का परित्याग करना पड़ा, शरीर छूट गया, कौशल्या जी का शरीर नहीं छूटा, क्योंकि भगवान के स्वरूप को जानती। लेकिन अब यहाँ एक बात और आगे जानते हैं, दशरथ जी कितने सरल हैं, स्वयंभू मनु के रूप में तभी से कितने सरल हैं, वो देखते हैं कि मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा तो अपने आप कौशल्या जी को मिल गया, स्वाभाविक है, दोनों पति पत्नी होंगे तभी पुत्र होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कौशल्या जी ने जो मांगा है वो मेरे को भी मिल जाएगा, माने कौशल्या जी ने ज्ञान मांगा है और मेरे को ज्ञान नहीं चाहिए। उन्होंने फिर सुधार कर दिया अपने वरदान में, मेरी एक प्रार्थना है प्रभु, मेरा जो आपसे प्रेम है ना वो केवल पुत्र विषयक होना चाहिए और कोई संबंध नहीं होना चाहिए, आपके स्वरूप का ज्ञान मेरे को नहीं चाहिए। जो भक्त है ना, जो प्रेमी है ना, वो भगवान का ज्ञान चाहते नहीं है, ज्ञान में शांत रस है और प्रेम में तरंगायित रस है, आनंद का रस है, तो शांत रस ठीक है, स्वाभाविक, सबका समापन तो शांत रस में ही है, सबका अंतिम विश्राम तो शांत रस में ही है, लेकिन विशेष आनंद जो आता है वो महाराज दास्य है, सख्य है, वात्सल्य है, मधुर है, इन रसों में आता है। आप देखेंगे महाराज शांत रस माने भगवान का अपने आत्मा के रूप में अनुभव हो रहा है और शांति से बैठे, तो सभी रसों का समापन अगर आप निर्विवाद रूप से विचार करें तो यही होगा,
आप कितना भी नाचे कूदें, कितना भी उत्सव मनावे, लेकिन अंत में क्या चाहते हैं? शांति। हाँ, फिर बधाई गा के उत्सव मना करके फिर क्या करेंगे? नाचते गाते रहेंगे क्या? शांति से आप 24 घंटे भी बैठ सकते हैं, पूरा जीवन भी बैठ सकते हैं, लेकिन नाचते हुए 24 घंटा नहीं रह सकते हैं। भगवान के वियोग में रोना भी भक्ति है, लेकिन रोने के बाद भी एक विलक्षण शांति का ही अनुभव होता है। हाँ, कोई भी भाव आप देख ले, अगर आप निर्विवाद दृष्टि से विचार करें, निश्चल होकर के विचार करें, तो अंतिम तो समापन शांत रस में है, लेकिन विशेष उत्सव। हाँ, अब अगर कह दिया जाए कि भाई आप अब शांत रस में आप बैठ जाइए, आज भगवान का उत्सव नहीं मनाया जाएगा, तो अच्छा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो अच्छा तो उसी में लगेगा, लेकिन भले वो थोड़ी देर के लिए होता है। हाँ, भगवान का उत्सव, जन्मोत्सव, तो अभिप्राय क्या है? जो भक्त है वो ज्ञान नहीं चाहते। हमको ज्ञान मत दीजिए प्रभु, ज्ञान हो जाएगा तो फिर उतना आनंद नहीं आएगा। भगवान हमारी आत्मा के रूप में, भगवान सर्वत्र है, फिर उत्सव कैसे मनाएंगे? भगवान को डांट कैसे लगाएंगे? भगवान भी ज्ञान नहीं हो देते थे कौशल्या माँ को, यशोदा माँ को? जब ज्ञान हो जाता था तो ढक देते थे। क्यों? अगर ज्ञान हो जाएगा तो मेरी बाल लीला का आनंद इनको नहीं आएगा। हाँ, इसलिए उन्होंने फिर भक्ति का वरदान मांगा, दोनों को भगवान ने वरदान दिया और दोनों को कहा कि अगले जन्म में तुम दोनों दशरथ कौशल्या बनोगे और मैं वहां तुम्हारा पुत्र बन करके अवतार लूंगा, और मेरी जो आदि शक्ति अनादि शक्ति जो भगवती है ये भी अवतार लेंगे और हम दोनों मिल करके लीला करेंगे। ऐसे भगवान के अवतार के अनेक हेतु भगवान शंकर ने सुनाए, अनेक हेतु। जानते जय विजय को शाप हो गया, वो भी एक हेतु है भगवान के अवतार का। जालंधर जिसकी पत्नी का व्रत भंग किया भगवान ने, वो रावण बना, वो भी एक हेतु है भगवान के अवतार का। अनेक हेतु हैं भगवान के अवतार के। और तुलसीदास जी महाराज ने एक प्रताप भानु का प्रसंग भी वर्णन किया, वो भी एक महाराज एक हेतु, वो भी अवतार का। तो जितने भी हेतु हैं भगवान ने वर्णन कर दिया, लेकिन आप जानते उन हेतुओं के बाद अब जो रावण कुंभकर्ण है वो कौन बने? आप कोई भी हर कल्प में अलग अलग होते हैं, कभी जय विजय बनेगा, कभी महाराज शंकर जी के जो दो रुद्रगण है ना, जिनकी कथा आपने सुनी, नारद जी के साथ जो लगे थे, इनको भी शाप दे दिया था नारद जी ने, ये भी एक कल्प में रावण कुंभकर्ण बने, एक कल्प में जय विजय रावण कुंभकर्ण बने, एक कल्प में प्रताप भानु और उसका भाई रावण कुंभकर्ण बना, अनेक कल्प में अनेक लोग रावण कुंभकर्ण बनते हैं। तो अब जो भी बने महाराज वो कोई बात नहीं है, लेकिन जब रावण कुंभकर्ण का अवतार, हाँ बहुर कहो रावण अवतारा लिखा है रामचरितमानस, अवतार भगवान का होता है, लेकिन जो भगवान की लीला में शामिल है उनकी भी बड़ी महिमा है। अच्छा आप बताओ, रामलीला में रावण ना होगा तो रामलीला होगी? होगी कि नहीं होगी बताओ? नहीं होगी ना। एक सत्य घटना आपको बताता हूँ, हमारे क्षेत्र की घटना है, और हमारा चित्रकूट के पास रामलीलाएं बहुत होती हैं, नवरात्रि जो दशहरा आता है ना, जहाँ आप दुर्गा पूजा जिस समय करते बड़ी बड़ी रामलीलाएं होती, वहाँ पर एक महाराज रावण का पाठ बहुत सुंदर करता था, एक व्यक्ति बहुत अच्छा करता था, नाम मैं भूल गया, बहुत साल हो गए, बहुत बढ़िया करता था। एक रामलीला कमेटी थी, उन्होंने हर साल उसको बुलाते थे और बढ़िया रामलीला होती। एक साल उस समिति वालों ने जो रावण का अभिनय करता था पात्र, उसकी दक्षिणा थोड़ा कम कर दी, जो भी समस्या रही हो, या तो फंड नहीं होगा या जानबूझ के जो भी किया, वो बड़ा बुद्धिमान था, और जो मिला वो भी लेके चला गया। अगले साल समिति वालों ने फिर बुलाया तो फिर आ गया, और रामलीला आराम से होती रही। लेकिन जिस दिन रावण वध का प्रसंग आया और व्यास जी ने बोला कि भगवान श्री राम को विभीषण जी ने बता दिया कि इसके नाभि में अमृत है, 31 बाण आप चलाइए तब ये मरेगा, भगवान श्री राम ने 31 बाण चलाए, एक बाण ने नाभि का अमृत सोखा, बाकी 30 बाणों ने 10 सिर और 20 भुजाओं को काटा और रावण गिर पड़ा। ये व्यास जी ने चौपाई बोली और राम जी ने बाण संधान किया, बाण लगने के बाद भी रावण गिरा नहीं, रावण खड़ा। अब हमारा तो लोग सोचे कि शायद ये ध्यान से इधर उधर हो गया होगा, दोबारा चौपाई बोली व्यास जी ने और राम जी ने फिर बाण मारा, फिर खड़ा, वो गिरा ही नहीं। और वो जो महाराज मालिक थे उनकी रामलीला कमेटी के, वो पर्दे के पीछे से बोले, भाई तो मर जल्दी, नहीं तो लोग हंसेंगे।
राम जी रावण को नहीं मार पा रहे, लोग यही तो कहेंगे ना रामलीला खराब हो जाएगी तो जल्दी गिर। और जानते हो वहीं से बोला, रावण का अभिनय करते हुए बोला, बोले पहले मेरे पिछले साल की दक्षिणा और इस साल की दक्षिणा पूरी दे दो। वो जब तक नहीं दोगे मैं मरने वाला। बेचारों को कमेटी वालों को वहीं रखना पड़ा, रामलीला खराब हो रही थी। अभिप्राय क्या, अगर रावण का अभिनय भी ठीक ना हुए तो रामलीला ठीक नहीं होगी। तो बहुरी कहो रावण अवतारा, रावण का अवतार कहा क्यों, रावण भी तो एक विशिष्ट पात्र है रामलीला का। और रामायण सीरियल जो चला उसमें अगर राम और जानकी जी के अभिनय करने वालों को सम्मानित किया गया तो आप जानते हैं जो रावण का अभिनय करते थे रामायण सीरियल में उनको भी कई जगह सम्मानित किया गया। अरविंद त्रिवेदी जो गुजरात के थे बहुत अच्छा अभिनय करते थे रावण का, बड़ा सशक्त अभिनय किया। और आश्चर्य की बात है कि वास्तविक जीवन में वो राम भक्त हैं। राम भक्त है? क्या कह रहे हैं आप? कोई बात नहीं, आप शायद कुछ और कुछ मोबाइल पे कुछ बोल रहे थे। आपने हमारे रावत जी बोलते ना अंतरंग आपका जो मित्र है ना, आप उसको शांत मुद्रा में रख लीजिए तो आपको आनंद आएगा उसका। तो अभिप्राय तो महाराज रावण के जन्म का थोड़ा संक्षेप में बताते। रावण, कुंभकर्ण और ये महाराज विभीषण तीन भाई हैं, तीनों जन्म लेकर के तपस्या करते हैं। किसकी तपस्या करते हैं जानते हैं? किसके? हमारे स्वामी जी के जो आराध्य भोले बाबा, भोले बाबा की सब साधना करते और भोले बाबा सबको खूब देते। तीनों ने साधना की, महाराज ब्रह्मा जी को भेजा, जाओ वरदान दे के आओ। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या चाहिए? पहला वरदान, हम काहू के मरे ही न मारे, हम मरे ही नहीं कभी, यही पहला वरदान मांग। जो व्यक्ति हमेशा इस शरीर को रखने का प्रयास करे कि हमेशा ये शरीर बना रहे, वो व्यक्ति ना तो देवता है ना मनुष्य है, उसकी गणना कहाँ आती है? असुरों में, क्योंकि ये शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है। हम काहू के मर ही दमारे। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये बात तो संभव नहीं, मेरा जीवन भी आता है तो मेरा जीवन जाता है। अब रावण के मुख से निकल गया, चलो कोई बात नहीं, बाकी से नहीं मरे, मनुष्य और बंदर इनको छोड़ करके बाकी किसी से नहीं मरे। अब वो रास्ता तो निकालना भगवान का काम है, दो रास्ता तो निकाल दिए ना, मनुष्य और बंदर। अब महाराज कुंभकर्ण के पास गए, तू वरदान मांग भाई। उसने निर्णय कर रखा था कि एक दिन सोऊंगा, 6 महीने जागूंगा, और बड़ा विशाल शरीर, और वो महाराज नॉन वेज खाना, रक्त पीना। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि अगर ये 6 महीना जगेगा तो मैं जितनी सृष्टि बनाऊंगा उससे ज्यादा तो ये खा जाएगा। सरस्वती को कहा सहायता करो, कुछ हमारी सहायता करो। बोले क्या करूं? बोले इसकी बुद्धि को घुमाओ। सरस्वती उस समय बैठ गई बुद्धि पर और उल्टा वरदान मांग गया, एक दिन जगूं और 6 महीना सो जाऊं। उल्टा वरदान मांग लिया। विभीषण जी से पूछा भैया तू वरदान मांग। उसने कहा हमको प्रभु के चरणों की भक्ति दे दीजिए। विभीषण ने वहीं से भगवान के चरणों की भक्ति का वरदान मांगा। अब महाराज रावण को बड़ी विशाल शक्ति मिल गई, अपनी शक्ति का वो स्वयं परीक्षण करने के लिए एक दिन कैलाश को उठा लिया। स्वयं कैलाश को, भगवान शंकर पार्वती विराजमान, पूरे कैलाश को उठा लिया। जब हिलने लगे भगवान शंकर ने कहा हो क्या रहा है? किसी ने कहा आपका चेला है ना वही उठाए हुए कैलाश को। भगवान शंकर ने दबाया अंगूठे से तो रख दिया, रोने लग गया, इसलिए उसका नाम पड़ गया रावण। रोने लग गया। अब महाराज हो बड़ी भारी शक्ति थी उसके जीवन में, मैदानों ने अपनी बेटी मंदोदरी का उसके साथ विवाह कर दिया, लंका को सोने की बना दिया, लंका को उसने अपनी राजधानी बना ली और सब लोगों को कह दिया जाओ देखो जितने विष्णु के भक्त हैं, ये ब्राह्मण, ये संत, ये ऋषि मुनि, ये कथाकार, ये कीर्तन करने वाले, सबको कष्ट दो, सबका कथा कीर्तन यज्ञ हवन बंद करा दो। ये त्रेता की घटना है। लोग कहते हैं महाराज बहुत खराब समय आ गया है, खराब समय। उस समय ज्यादा था कि इस समय ज्यादा है? क्यों भाई? अभी तो आप प्रेम से कथा सुन रहे हैं, प्रेम से आनंद ले रहे हैं। रावण का आदेश हो गया जहां भी कथा हो व्यवधान करो, जहां भी यज्ञ हो बंद करा दो, जहां कीर्तन हो बंद करा दो। जितने ऋषि मुनि हैं, रावण के राक्षस
साधकों को खाना प्रारंभ कर दिए, मारना प्रारंभ कर दिए। तो आप हमारे महाराज जी कहते थे, जो लोग कहते ना समय बहुत खराब है, वो कुछ करना नहीं चाहते। अरे समय खराब है तो समय अच्छा भी है। हाँ, कलयुग के लिए एक वरदान है। कलयुग में आप मन से किसी का खराब सोचो तो पाप नहीं लगेगा, जानते। हाँ, मानस कलिकर एक विशेष प्रतापा, मानस पूर्ण हो ही नहीं पापा। कलयुग में ही ये सुविधा उपलब्ध है। क्या सुविधा उपलब्ध है मालूम है? मन से किसी का बुरा सोचे तो पाप नहीं लगेगा, और मन से किसी का भला सोचने लग जाए तो पूर्ण होने लग जाएगा। केवल कलयुग में ही संभव। देश में आपका क्या खर्च होता है भाई? कलयुग में सुविधाएं भी तो है ना। मन से सबके लिए भला सोचिए, सबका भला सोचिए, सभी सुखी हो। हमारा जो सूत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब महाराज बड़ा भयंकर समय आ गया, सारे लोग बड़े परेशान हो गए। अब जो महाराज पृथ्वी देवी है, देवताओं को लेकर के भगवान की प्रार्थना करती है, आप लोग थोड़ा संकीर्तन करो, उसके बाद भगवान के अवतार का प्रसंग आएगा, अवतार की कथा होगी, और उसके बाद भगवान के अवतार का बड़ा सुंदर यहाँ आज हम लोग उत्सव मनाएंगे। आज कला मंदिर को हम लोग अयोध्या के रूप में दर्शन करेंगे और बड़ा सुंदर उत्सव मनाएंगे। थोड़ा 5-7 मिनट संकीर्तन करें, यहाँ से प्रसंग बदलेगा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, हमें निज घर में पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना, बताती रोज रामायण। हमें निज पर चलना, बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म बताती रोज रामायण। हमें निज पर चलना, सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना, सिखाती रोज रामायण। शुभ आचरण करना, सिखाती रोज रामायण।